भाई सब कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं हूँ सुमित पुष्पद और आप देख रहे हैं सुमित फोटो एडिटिंग चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ऐसे नई वीडियो देखने के लिए। आज मैं सिखाऊंगा आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग जिसे डिस्प्ले पर देख सकते हो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली, वीडियो पसंद आती है तो कर देना एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसे ऐसे नई वीडियो देखने के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। फिर यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे अपने पिक्सआर्ट ऐप में। ये पिक्सआर्ट में बैकग्राउंड ओपन होने के बाद में यहाँ पे हम इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ब्लर लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर ब्लर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इस पर ब्लर पर क्लिक करेंगे। फिर इसकी सभी ब्लर को थोड़ा कम करेंगे कुछ इस टाइप से, टेन रख लेंगे। यहाँ से फिर डन कर देंगे। फिर यहाँ से कुछ इस टाइप से होने के बाद में हम यहाँ पे एड फोटो पर जाएंगे। यहाँ से एड फोटो पर अपने बैकग्राउंड को लिंक दे दूँगा। फिर यहाँ पे हम एड फोटो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने बैकग्राउंड या पेंच किसी को भी ले सकते हो, अपने फोटो को भी ले सकते हो। यहाँ पे अपने मॉडल को ले लेता हूँ एड। आपको बैकग्राउंड या इरेज करना नहीं आता तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके। यहाँ से कुछ इस टाइप से लगा लेना है इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पे से मैं डन कर लेता हूँ। यहाँ पर इस टाइप से होने के बाद में फिर यहाँ पे एड फोटो क्लिक करूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम हेयर का पी एन जी एड करें एड। फिर यहाँ पे हम इसका चेंज कर लेते हैं ब्लाइंड में ब्लाइंड। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से लगाने के लिए जूम कर लेते हैं इसको, कुछ इस टाइप से लगा देते हैं। फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं। फिर यहाँ से रोटेट, फिर यहाँ पे इसको लिखा है, यहाँ से फिर इसको लेते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पे इसको जूम करें, क्या देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं डन कर लूँगा। फिर यहाँ पे मैं एक और पी एन जी एड करूँगा लाइट का, तो ऐड कर लेना। फिर इसका ब्लाइंड मोड चेंज करेंगे, फिर स्क्रीन पे कर लेंगे इसका ब्लाइंड मोड। फिर यहाँ पे इसकी थोड़ी साइज को बढ़ाऊँगा मैं और फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा लूँगा थोड़ा, यहाँ पे कुछ अच्छा लगेगा ठीक है। फिर इसको यहाँ पे से हम ओपेसिटी को कम करें थोड़ी सी, कुछ एडिटिंग कर लेते हैं ठीक है। फिर यहाँ पे से डन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे हम ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ जूम आउट करेंगे, यहाँ से उसको थोड़ा सा कटआउट लगाते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे लेयर्स पे, यहाँ पे लेयर्स को ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ पे हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे सेव इमेज। फिर हम इस फोटो को अपने लाइट रूम में ओपन कर लेंगे। फिर फोटो लाइट रूम में ओपन होने के बाद में यहाँ पे हम लाइट पे क्लिक करेंगे, इसको एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाएँ, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा, और यहाँ पे हाईलाइट को थोड़ा कम कर देंगे, इसको फुल डिक्रीज कर देते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे शेडो पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा उसको शेडो को बढ़ाएंगे, वाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, फिर ब्लैक को भी थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे थर्मोमीटर के आइकन पर, फिर यहाँ पे इसके वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम कुछ 15-18। फिर यहाँ पे मिक्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, फिर सैचुरेशन में थोड़ा सा कम करेंगे और उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम। फिर यहाँ पे येलो पर क्लिक करेंगे, इस जगह को फुल कर देंगे, देन इसकी व्यू को थोड़ा कम कर देंगे थोड़ा सा, डिस्कस कर देते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको इसकी व्यू को भी इतने रहने देते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे ग्रीन आइकन का, इसकी सैचुरेशन को फुल कर देते हैं। फिर व्यू को थोड़ा सा डिस्कस करके देख लेते हैं कुछ इस टाइप से रख लेते हैं, इसको सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देंगे थोड़ा सा ठीक है। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सर्चेज को थोड़ा सा कम करेंगे और इसके लिए इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके सर्चेज में थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसके लिए थोड़ा कम करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसके सर्चेज में थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसके यू को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर डन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इनवाइटमेंट को थोड़ा कम करेंगे। फिर यहाँ
पे क्लिक करेंगे, इसकी शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फेस की नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कलर नॉइज को भी थोड़ा सा कुछ इस टाइप से। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और दिखेगा गाइस। फिर यहाँ पे से हम इसको यहाँ से डन कर लेते हैं, या देख सकते हो बिफोर और आफ्टर। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे